मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। आज है 6 अप्रैल वेडनेसडे। मैं सुबह सुबह ब्लॉग शुरू कर रही हूँ किचन से, क्योंकि मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एक्चुअली ना आज सुबह सुबह बहुत ही भूख लग गई, क्योंकि कल शाम को मेरा थोड़ा एसिडिटी हो गया था और डिनर मैंने स्किप कर दिया, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में बनेगा साबूदाना खिचड़ी। ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इसका रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाते हैं साबूदाना खिचड़ी। ऑयल गरम हो गया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पीनट ले लिया। पीनट को अभी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसका एक दरदरा एक पाउडर बना लेंगे। ये फ्राई हो गया है, अब मैं इसको उठा के रखूँगी। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको मिक्सी में ऐसे पाउडर बना लूँगी। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें मैं पहले जीरा डालूँगी थोड़ा ज़्यादा करके। जीरा डालने के बाद मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस करके ऐसे आलू कट के रखी थी वो डाल दूंगी। नमक डालूंगी, अब इसको थोड़ी देर ढक के रखूंगी जब तक ना ये नरम हो जाए। ये ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा हरी मिर्च डालूंगी। अब इसमें मैं साबूदाना ऐड कर रही हूँ। साबूदाना को रात को ही मैंने भिगो दिया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं है। मैं एक दिन आप लोगों को दिखा दूँगी कि कितने पानी चाहिए इसको भिगोने के लिए। कल मैं भूल गई वो वीडियो करना, तो इसीलिए वो रात को ही मैंने भिगो के रखी थी। तो साबूदाना को अभी मैं डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। ये अभी सफ़ेद है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब समझ लेना कि वो हो गया। ऐसे अभी सफ़ेद है, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है थोड़ा फ्राई करने के बाद। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक डाल दिया, मैंने पीनट को ऐड कर दिया, वीडियो ऑन करना भूल गई, थोड़ा और डाल रही हूँ। ऐसे पीनट को मैंने पाउडर बना के रखी थी वही थोड़ा बहुत डाल दिया। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट बन चुका है, अब इसमें मैं नींबू का रस डालूंगी। ये ज़रूर डालिएगा, ये इसके बिना अच्छा नहीं लगता है।
मैंने साबूदाना खिचड़ी और एक बनाना लिया गोलोक के लिए। एप्पल दिया है, मुझे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने एक बनाना लिया। अच्छा बना है। जिस दिन फास्टिंग वगैरह रहता है ना उस दिन ये साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है, पर घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और साबूदाना तो सुना है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है। आलू को मैंने फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आप चाहो तो उसे बॉईल करके भी छोटा छोटा पीसेस करके डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा फ्राइड अच्छा लगता है इसलिए मैंने फ्राई कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा नहाना भी हो गया, पूजा भी हो गया, अभी खाना बन रहा है। अभी बज रहा है 12 o'clock और अमेजोन से मेरा कुछ पार्सल आया है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या है वो भी देखते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ टेबल मैट और एक रनर ऑर्डर किया था, शायद वही आया है आज। हाँ वही है। ये कलर का लिया, मेरे घर का जो कार्टन्स है सारे इसी कलर का है तो मैच करके मैंने यही लिया है। छोटा तो नहीं होगा? हाँ लग रहा है छोटा होगा। अच्छा दिख रहा है, देखते हैं। इसका छोटा तो नहीं पड़ेगा ना, तो मैं वही सोच रही हूँ, नहीं तो रिटर्न करना पड़ेगा फिर से। ऐसे मैट भी ऑर्डर किया था, कलर मुझे अच्छा लगा, इसके साथ जाएगा अच्छे से। सिक्स है, बहुत सारे है, मतलब 4-pack का भी है, 6 का भी है, 8 का भी है। मेरा 6 है बैठने का जगह, इसीलिए मैंने 6 किया है। और एक ऑर्डर की थी, वो जो स्ट्रिप लाइट होता है ना, मेरा किचन में आधा लगा हुआ है, आधा से ज़्यादा है और थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसको उसमें लगाने के लिए ये ऑर्डर किया है, वार्म वाइट। यही था आज का अमेजोन का पार्सल जो आया है। चलिए टेबल पे डाल के देखते हैं कैसा लगता है। ये मेरा जो नया मैट और टेबल रनर आया है ना, वो मैं डाल के अभी देखूंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था वो छोटा हो रहा है या बड़ा। तो अगर छोटा हो रहा है तो मैं जल्दी से चेंज कर लूँगी। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, क्योंकि ये वाला जो मैट मैं डाल के रखती थी ना, वो अभी चेंज करना है, क्योंकि उसमें ना कुछ भी खाने के प्लेट वगैरह रखूँ ना, उससे गिरता है तो उसके नीचे से आ जाता है और इतना बुरा, मतलब ख़राब दिखने में लगता है ना, और गंदा भी हो जाता है टेबल, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। वो फेंकूँगी नहीं, मैं रख दूँगी, कभी कभार यूज़ कर लूँगी चेंज करके। कभी कभी अच्छा लगता है ना चेंज करके, कुछ और चीज़ लगाओ तो अच्छा लगता है। तो अभी मैंने डाल दिया सब देख रही हूँ, अरे नया चीज़ का एक अलग ही मज़ा है, कुछ भी नया डालो ना अच्छा लगता है तभी। टेबल रनर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी अमेजोन पे, मिल ही नहीं रहा था, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा था कुछ भी, तो अभी फाइनली ये पसंद आया। कलर बहुत ही प्रीटी लगा मुझे, और मेरे जो घर का थीम है ना, वो उसके साथ अच्छे से जा रहा है, और टेबल मैट भी अच्छा लग रहा है। टेबल मैट मैं हमेशा डाल के नहीं रखूँगी, जब खाने के लिए बैठूँगी तब डालूँगी।
कुकिंग का सारा काम मेरा हो गया। अभी लास्ट ये है गैस साफ करना, ये हो जाएगा तो मेरा किचन का काम हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो है वो भी मैं कर लूँगी। ये तो रोज़ का काम है और ये करके रखूँ ना शाम को बहुत ही अच्छा लगता है। जब चाय बनाने के लिए आती हूँ किचन एकदम चकाचक रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे सुबह में भी होता है, अगर रात को किचन साफ करके रखती हूँ ना तो अच्छा लगता है सुबह। और यहाँ पे सारे जो बर्तन है वो सब धो के रखती हूँ और जो धो के रखा था वो सब सूख गया है, अपने जगह जगह पे सब कुछ ऑर्गेनाइज करके अभी रख रही हूँ। और जो लास्ट में एक काम है वो है मेरा एक माइक्रोफाइबर का जो ये कपड़ा है ना, ये हर 2-3 दिन में मैं साबुन और गर्म गर्म पानी से इसको धो लेती हूँ, क्योंकि यूज़ करते करते नहीं इसमें एक ग्रीजीनेस आ जाता है, ये धो के रख देती हूँ और लास्ट में मैंने सिंक भी साफ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा देखिए, है ना, स्काई कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ब्लू और ऐसे क्लाउड जैसे ऐसे तैर रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ठंड जब तक नहीं कमेगा ना तब तक ये ग्रास नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में ना 1-2 दिन ऐसे स्नो हुआ है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, इसीलिए ग्रास ठीक ठाक नहीं हो रहा है। फिर भी आया थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा आया, बारिश भी हो रहा है बीच बीच में। अभी शाम हो गया, हम लोग बाहर से आज को कुछ खाना लाए हैं, गुबलू के लिए पास्ता और गार्लिक ब्रेड लाए हैं, वो बहुत खुश है, अभी मैं उसे वही दे रही हूँ। दिख रहा है मुझे ये पास्ता बहुत पसंद है। नहीं नहीं आ जा, खुश हैप्पी। हम लोग अभी मॉल ऑफ अमेरिका आए हैं, गुबलू को राइड करना है तो टिकट लिया है, अभी वो राइड करने गया है। कार गोलक और गुबलू करेगा, मुझे बहुत ही डर लगता है तो इसीलिए मैं नहीं करूँगी। ये वाला राइड देखिए, ये देख के बचपन का जो मोयूरपंखी करके मेले पे आता था वैसा वाला नहीं लगता है, मुझे तो वैसा वाला ही लगता है, बहुत ही खतरनाक लगता है, इससे भी खतरनाक राइड है, तो मैं उस तरफ देखती भी नहीं हूँ। गुबलू का बहुत ही मज़ा आ रहा है, वो एकदम उछल रहा है, तो उसे बहुत दिनों से मन था जाने के लिए। और ये वाला ट्रेन देखिए, ये ट्रेन पर भी जाएगा गोलक और गुबलू ये राइड करने के बाद, और अभी टिकट ले रहे हैं, अभी जा रहा है। ये वाला भी बहुत ही खतरनाक लगता है, ये ना अपसाइड एकदम डाउन हो जाता है, और इसमें क्या होता है ना, जिनके बड़े बाल है ना, हेयर बड़े हेयर है वो ना पूरा टेंगल हो जाता है, अगर वो मतलब बांध के नहीं रखे ना तो ऐसे वाला ही हो जाता है, बहुत ही ख़राब लगा मुझे, इसीलिए मैंने बोला नहीं बाबा तुम दोनों जाओ, मैं बाद में और कुछ ट्राई कर लूँगी। अभी होने के बाद पता चलेगा गुगलू को कैसा लगा, गुगलू को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। আমি কন্ট্রোল করছিলাম। আচ্ছা ওটা
वो ट्रेन पे बैठा है, गुबलू और गोलोक एकदम सामने सीट पे बैठा है। गोलोक बोला था अंतरा कैमरा इधर रखना, मैं वेव करूँगा, तुम कैमरा इधर करके रखना, वो कर रहा है। बहुत ही मज़ा आया लग रहा है। और ये तो गुबलू का सबसे फेवरेट जगह है लेगोलैंड। उसे आज जाना था लेगोलैंड, फिर गोलोक ने बोला लेगोलैंड पे ना अभी बहुत ही लाइन रहता है, जब से ये शुरू हुआ है ना पैंडमिक तब से, तो गोलोक ने बोला था कि बाद में टारगेट से ख़रीद के देंगे। और ये देखिए, ये एक लेगो से बनाया हुआ टाइटैनिक वो जो शिप है वही है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं गोलोक को बोल रही थी, गोलोक एक बार ऐसा वाला ख़रीदेंगे सब, बहुत सारे लोग मिलके ऐसे बनाएंगे, ये बनाने में बहुत टाइम लगेगा और मज़ा भी आएगा। कितना बड़ा देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और एक मिलता है ताजमहल, ताजमहल भी बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। गुड इवनिंग, हम लोग मॉल ऑफ अमेरिका से आ गए, अभी बैठ के चाय पी रहे हैं। आने के बाद नहाया, फिर गुबलू को थोड़ा सा पढ़ाया, मतलब थोड़ी देर, वही पहले बोला था ना, बुक सब करेक्शन की थी, करके रखी थी, उसको सारे दिखाया कि कहाँ कहाँ पे करेक्शन करना है, तो उसने फिर से वो किया। फिर अभी चाय पी रहे बैठ के, और गोलोक भी थोड़ा रेस्ट ले रहा है। उसके बाद कुछ मूवी आया है बंगाली, तो वो वाला देखूँगी, दोनों दो मूवी आया है। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। जो मेरे चैनल पे नए फ्रेंड है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय बाय।